सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पे फिटनेस एंड मदरहुड। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी वाटर के बारे में, तुलसी वाटर के बेनिफिट्स के बारे में, तुलसी वाटर कैसे बनाते हैं, तुलसी वाटर किस तरह स्टोर किया जा सकता है और इसे कितनी मात्रा में बच्चों को देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं तुलसी को तुलसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे आयुर्वेद में तुलसी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ये इतनी ज्यादा गुणकारी है, यानी जिससे किसी को तोला ना जा सके उसे कहते हैं तुलसी। तुलसी के तीन प्रकार होते हैं जो इंडिया में ज्यादातर पाए जाते हैं। वैसे तीन से और भी कई ज्यादा तुलसियों के प्रकार होते हैं, पर ये तीन इंडिया में ज्यादा पाए जाते हैं, जो है राम तुलसी जिसे श्री तुलसी भी कहते हैं, कृष्ण तुलसी जिसे श्याम तुलसी भी कहते हैं, और है एक वन तुलसी। तुलसी में ऐसे कई सारे कॉम्पोनेंट्स और प्रॉपर्टीज है जो बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं। कई सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स है जो बच्चों को फायदा देते हैं। विटामिन्स जैसे कि ए सी के, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं बेनिफिट्स से। बेनिफिट नंबर वन, बूस्ट इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया है तुलसी में विटामिन सी है और विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बेनिफिट नंबर टू, ट्रीट इनडाइजेशन। तुलसी पेट से छोटी मोटी समस्या जो रिलेटेड होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर है। बच्चे जब सॉलिड्स खाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलिक जैसी कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ें लगी ही रहती हैं, और इसका एक होम रेमेडी करके हम तुलसी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये हर एक प्रॉब्लम जो बच्चों को पेट से रिलेटेड है उसमें फ़ायदेमंद है। ट्रीट कफ एंड कोल्ड। अगर आप आयुर्वेद में कोई भी दवाई लेने जाते हैं कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड, तो उसमें आपको तुलसी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुलसी में ऐसे कुछ गुण है जो कफ को यानी म्यूकस को ढीला करके शरीर से निकाल देती है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के वजह से ये कई तरह की क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज में भी काम आती है, जैसे कि टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। बेनिफिट नंबर फोर, रिलीव इन फीवर। तुलसी एंटीपायरेटिक होती है, इससे होता ये है कि तुलसी पसीना लाकर बुखार उतारती है, जो नेचुरल तरीका है बुखार उतारने का, जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बेनिफिट नंबर फाइव, गुड फॉर स्लीप। तुलसी में ऐसे कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जिससे नींद बहुत अच्छी आती है और गहरी आती है, और सुबह उठने के बाद बच्चे एकदम फ्रेश फील करते हैं और उन्हें आलस भी नहीं आता है। सो आप अगर बच्चों को सोने से पहले एक 3 चम्मच 5 चम्मच अगर आप तुलसी का पानी पिलाकर सुलाते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बेनिफिट नंबर सिक्स, ट्रीट इंसेक्ट बाइट। बच्चों को कई बार मच्छर काट लेते हैं, फोड़, फुंसी, रिंग वॉर्म यानी दाद, ऐसी कई समस्याएं बच्चों को होती है जिसके लिए तुलसी बहुत ही कारगर है। तुलसी को क्रश करके इस जगह लगाएंगे तो बच्चों की ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी 3 से 4 बार लगाने से, क्योंकि तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है जो बच्चों को फायदा पहुंचाती है। बेनिफिट नंबर सेवन, वर्क एज माउथ फ्रेशनर। तुलसी एज अ माउथ फ्रेशनर भी बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आप बेबी को तुलसी वाटर के 2 चम्मच देकर सुलाते हैं तो बच्चों के सांसों से बदबू भी नहीं आती है नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके अलावा ये दांतों को सड़न से भी बचाती है और गर्मी की वजह से जो बच्चों के मुंह में छाले आते हैं उसका भी बचाव कर। 8, बूस्ट एनर्जी। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफाइंग है। तुलसी में ऐसे कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो एक एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं और बच्चे की एनर्जी तुरंत बढ़ा देते हैं। सो अगर आप इसे दिन में 1 बार 2 बार अगर बच्चों को पिलाते हैं एक एक कप, तो आप बच्चों की एनर्जी बूस्ट हुई है ये आप अच्छी तरह से नोटिस कर पाएंगे। बेनिफिट नंबर 9, गुड फॉर ब्रेन। बच्चों की बढ़ती उम्र में बुद्धि का विकास होना आवश्यक होता है, जो तुलसी खाने से थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि
तुलसी में रोज मैरिनिक एसिड है जो बच्चों के बुद्धि के विकास में बहुत ज्यादा कारगर है। सबसे ज्यादा कारगर इसमें कृष्ण तुलसी है, उसके बाद राम तुलसी, उसके बाद वन तुलसी। इन तीनों तुलसियों में रोज मैरिनिक एसिड की मात्रा अच्छी है जिससे बच्चों की बुद्धि के विकास होता है। बेनिफिट नंबर 10, गुड फॉर बोन्स एंड ओवरऑल ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है तुलसी में कैल्शियम है, तो इससे बच्चों के हड्डियां बहुत अच्छी तरह से मजबूत होती है और दांत भी मजबूत होते हैं। आयन से बच्चों को खून की कमी नहीं होती है। इसमें इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से बच्चों को हाथ में, पैर में कहीं चोट लगी हो तो वहाँ सूजन की समस्या नहीं होती है। एंटी एलर्जिक है जिससे बच्चों को कोई एलर्जी की समस्या हो वो दूर हो जाती है। एंटीवायरल है, एंटीपायरेटिक है और एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें कई 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 ऐसे गुण हैं जो बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाते हैं। इसमें एक यूजेनॉल नाम का भी कंपोनेंट है जो बच्चों को एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है, जो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है क्योंकि छोटे बच्चे कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहते हैं, कभी छिल जाता है, कुछ हो जाता है, तो बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से काम आता है। अब हम बात करेंगे तुलसी वाटर किस तरह से बनाया जाता है। पहले हम 2 कप पानी लेंगे, दो कप पानी में हम 5 से 7 मीडियम तुलसी के पत्ते लेंगे। मैंने 5 लिए है। अब हम पानी को स्लो आंच पर गैस पे रख देंगे। इस पानी को हम 2 कप से 1 कप होने देंगे, तब तक इसे हम उबालेंगे। जैसे ही 2 कप से पानी 1 कप तक हो जाएगा, हम इसे 1 कप में निकाल लेंगे और बच्चों को गुनगुना यानी लूप वार्म वाटर दे। अब हम जानेंगे तुलसी वाटर को कितना स्टोर किया जा सकता है या किस तरह स्टोर किया जा सकता है। हम तुलसी वाटर को सिर्फ एक ही दिन तक बनाकर यूज कर सकते हैं या करना चाहिए। इससे ज्यादा हमें इसे स्टोर नहीं करना चाहिए और 1 दिन से ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए। ये हमें डेली फ्रेश बच्चों को बनाकर देना चाहिए। अब हम जानेंगे बच्चों को कितनी मात्रा में तुलसी वाटर देना चाहिए। अगर बच्चे 6 से 8 महीने के बीच में हैं, तो दिन में 3 बार बच्चे को 2 से 3 चम्मच देना चाहिए। अगर बच्चे 8 से 12 महीने के बीच है, तो 5 से 7 चम्मच दिन में 3 बार बच्चों को देने चाहिए। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, तो आप उसे 1.5 कप भी दे सकते हैं दिन में, जितनी बार आपको देना हो उतनी बार, यानी 3 बार से ज्यादा भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो 4-4, 5-5 चम्मच आप दिन में 4 बार भी दे सकते हैं। आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।